मंदसौर में अभिभाषकों की हड़ताल जारी है। अभिभाषक संघ आज पांचवें दिन भी कार्य से विरत के हैं, जिसमें जिला अध्यक्ष बार एसोसिएशन ने मीडिया को बताया कि फरवरी में भी हमारे द्वारा हड़ताल की गई थी, फिर भी उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई सुधार नहीं हुआ है और आज 25 प्रकरण का आदेश उच्च न्यायालय का है वो गलत है। इसको लेकर पूरे मध्य प्रदेश के अधिवक्ता में असंतोष है। उसी को लेकर स्टेट बार काउंसलिंग, हमारी बार संस्था है, वहीं से ही कार्य से विरत रहने का आह्वान हुआ है। उसके परिपालन में हम कार्य से विरत हैं और जब तक इस समस्या का निराकरण नहीं होगा तब तक हम कार्य से विरत रहेंगे। ये हड़ताल का आज पांचवा दिन है और उसके पहले हमने 13-14 फरवरी को हड़ताल की थी, उसके बाद हमने 23-26 फरवरी की थी और ये 25 प्रकरणों का जो माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश है वो अत्यंत गलत है। उसको लेकर पूरे मध्य प्रदेश के अधिवक्ता में असंतोष है और उसी को लेकर स्टेट बार काउंसिल, जो हमारी मेन संस्था है, वहाँ से ही ये कार्य से विरत रहने का आह्वान हुआ है। उसके परिपालन में हम कार्य से विरत हैं और जब तक इस समस्या का निराकरण नहीं होगा तब तक हम कार्य से विरत रहेंगे। आगे भी और बढ़ सकते हैं। आगे परसों 30 तारीख को सुना स्टेट बार के चेयरमैन के साथ पदाधिकारियों की मीटिंग है, वो तय करेंगे क्या करेंगे। जैसे भोपाल है, इंदौर है, सभी ने अनिश्चितकालीन का तय कर चुके हैं, बाकी स्टेट बार तय करेगी, हम उसके साथ हम भी काम करेंगे। मैं रघुवीर सिंह पार, अध्यक्ष जिला विभाषक संघ। मंदसौर से पीडी बैरागी की ये रिपोर्ट।